नमस्कार। भारत में क्रिकेट एक धर्म है। यहाँ हर गली हर घर में क्रिकेट के दीवाने आपको मिल जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहते, उनको प्यार से कई उपनाम दिए जाते हैं। यही नहीं, ये भारत में क्रिकेट की दीवानगी ही है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान तक का दर्जा मिल जाता है और उनके मंदिर बनाकर पूजा भी होती है। अब आप सोचिए, जहाँ क्रिकेट एक धर्म और उसके लाखों अनुयायी हों, वहाँ इस धर्म के लिए भव्य मंदिर तो होना ही चाहिए, जहाँ क्रिकेट के मुकाबलों का शानदार आयोजन किया जा सके। यही वजह है कि भारत में एक और विशाल स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। ये स्टेडियम भारत के पिंक सिटी यानी जयपुर में बनेगा। बीसीसीआई ने इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट देने की सहमति जता दी है। हालांकि स्टेडियम को बनाने की कुल लागत 350 करोड़ रुपए तक हो सकती है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बाकी रुपयों के लिए बैंक लोन के माध्यम से 100 करोड़ की व्यवस्था करना चाहता है। इसके अलावा बाकी रुपए स्टेडियम के कॉरपोरेट बॉक्स बेचकर जुटाए जाएंगे। नए स्टेडियम के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को पहले ही 100 एकड़ जमीन लीज पर मिल चुकी है। वहीं खबरों की माने तो इस स्टेडियम में इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकेडमी, क्लब हाउस की सुविधा के साथ साथ 4000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की भी सुविधा होगी। साथ ही स्टेडियम में 2 अभ्यास मैदान भी बनाए जाएंगे, जिसमें घरेलू क्रिकेट के मैचों का आयोजन हो सकेगा। वहीं इस स्टेडियम में एक साथ 75,000 तक दर्शक क्रिकेट मैच का आनंद उठा सकते हैं। और जब ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अभी पहले नंबर पर अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, दूसरे नंबर पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। उम्मीद की जा रही है कि दुनिया का ये तीसरा बड़ा स्टेडियम 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि जयपुर में पहले से एक स्टेडियम मौजूद है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन भी होता है। इस स्टेडियम का नाम सवाई मानसिंह स्टेडियम है। इस स्टेडियम में आखिरी बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया था, जबकि इस स्टेडियम पर कई IPL मुकाबले खेले जा चुके हैं।